दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने की खबर सामने आई, जिसकी वजह से बुधवार को एक क्रेन संचालक की भी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बताया कि समालखा के पास फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने की वजह से क्रेन चलाने वाला व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, सबसे पहले देखिए उस वीडियो को। दरअसल समालखा से महिपालपुर तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये हादसा इसी निर्माणाधीन फ्लाईओवर के एक हिस्से के गिरने की वजह से हुआ। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर फ्लाईओवर का एक सेगमेंट चलती क्रेन पर गिर गया, जिससे नीचे खड़ा एक जेसीबी चालक इसकी चपेट में आ गया और अस्पताल में उसकी बुरी तरह मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि मजदूर नहीं थे, इसीलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फ्लाईओवर के सेगमेंट को ऊपर जैक से बांधा गया था, लेकिन उसमें कुछ चूक हो गई, जिसकी वजह से ये सेगमेंट क्रेन पर गिर गया।